इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेशली प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होते हैं, क्या यूज होता है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, एवरी थिंग वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो इन दिस लेक्चर आवर कंटेंट विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉक्सिमिटी, उसके टाइप्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ऑल द थिंग्स वी आर गोना डिस्कस। तो व्हाट इज प्रॉक्सिमिटी सेंसर? प्रॉक्सिमिटी सेंस, दीज सेंसर्स आर यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स नियर देम। मीन्स सेंसर्स के पास जब कोई ऑब्जेक्ट आएगी तो उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस और क्या डिस्टेंस है उसकी, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं उस सेंसर्स को हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ठीक है, तो जैसे पिछले सेंसर्स का जो लेक्चर था उसमें हमने सभी टाइप के सेंसर्स को डिस्कस किया था, जैसे टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, ठीक है, इसी टाइप से ह्यूमिडिटी सेंसर भी होते हैं, या फोर्स को डिटेक्ट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट करने के लिए LVDT सेंसर, ये सारे सेंसर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। बट इन द इंडस्ट्री, इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आर यूज्ड। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स कहाँ यूज होते हैं? जहाँ हमें ऑब्जेक्ट जो है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है उसका हमें पता करना है, और उससे सिग्नल जनरेट करके उस पर ऑपरेशन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए वो हमें PLC से चाहिए, तो सेंसर्स की जो सिग्नल है वो PLC तक हमें पहुंचाना है। ठीक है, अच्छा, सेंसर्स के अलावा एक लिमिट स्विच भी होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने, अगर आप लोगों ने यहाँ पे फेस्टो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट अगर किया होगा तो आपने लिमिट स्विच देखा होगा कि जहाँ पे सिलेंडर का जो पिस्टन का जो एंड है, पिस्टन रोड पे जो एंड लगा हुआ है, वो किसी एक रोलर को जाके पुश करता, वहाँ से सिग्नल जनरेट होता है, उसको आप PLC में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो लिमिट स्विच से काफ़ी डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? कि ये नॉन टच ऑपरेशन पे काम करेगा, विदाउट टचिंग। लिमिट स्विच पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को जब हम टच कराते हैं तब वो सिग्नल देगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट वहाँ पर होना चाहिए तभी वो सिग्नल आपको देगा। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो विदाउट टच आपको जो है सिग्नल देगा कि ऑब्जेक्ट वहाँ है या नहीं है। यहाँ पे आप इमेजेस में भी देख सकते हैं कि कन्वेयर बेल्ट पे जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही हैं, वन स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिश लाइन तक ये जा रही हैं, तो कितनी ऑब्जेक्ट्स जा रही हैं, किस पोजीशन में है, तो वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंटिन्यूस लाइन है, सपोज करें कि ये कोई पेपर की लाइन है, तो पेपर कितना लूज है, कितना टाइट है, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम इसी टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी लोअर लिमिट है, इससे ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा अपर लिमिट तक नहीं पहुंचना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो जो रोलर की स्पीड है ये इन दोनों सेंसर्स की इनपुट पर डिपेंड करेगी। मीन्स अगर ये लूज है तो ये वाला रोलर हमें तेज़ी से घुमाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये टाइट है, ऊपर की डायरेक्शन है, तो इसकी स्पीड को या तो कम करना पड़ेगा, इसकी स्पीड को हमें तेज करना पड़ेगा। एज पर द प्रोग्रामिंग जो है वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रोलर तेज चलाना है, कौन सा रोलर स्लो चलाना है, एज पर द एप्लीकेशन। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को हम कई तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे एक तरीका मैंने यहाँ पे दिखाया, ऑब्जेक्ट सिर्फ डिटेक्ट हो रही है और कंटिन्यूस प्रोसेस में भी ये आपको सिग्नल देता है। ओके, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले प्रॉक्सिमिटी सेंसर का नाम सुना है और कोई एक सेंसर जो है देखा है, यूज़ किया है? इफ़ यस तो टाइप यस, आप चैट बॉक्स में यस टाइप करें, कितने लोगों ने प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखा है। मनीष कुमार, विशाल, दो लोग हैं सिर्फ, ओके, 26 लोगों में से मुकेश ने भी यूज़ किया है। ओके, तो आई थिंक आपने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए होंगे रोबोटिक्स वगैरह के, उसी में ये यूज़ किया होगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आई थिंक अभी आपने नहीं किए। ठीक है, नाउ सी द टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो है के टाइप है, उनके वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है उनको हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
पहला है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, दूसरा कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, थर्ड अल्ट्रासोनिक एंड फोर्थ ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, किस सेंसर को कहाँ पे यूज़ करना है वो डिपेंड करता है क्या एनवायरनमेंट की कंडीशंस हैं, क्या एम्बिएंट टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, डस्टी एनवायरनमेंट है या आपका क्लीन एनवायरनमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। सो वी विल सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब यहाँ पे एक वर्ड ये जो लगा हुआ है ये इसका एडजेक्टिव है इंडक्टिव। इंडक्टिव ये बता रहा है कि कुछ ऐसा है जो मैग्नेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, इंडक्शन पे डिपेंड करता है, सॉरी। तो इंडक्टिव सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर विच डिटेक्ट मेटलिक ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग दैम, ठीक है। तो इंडक्शन जो है वो मेटल पे डिपेंड करता है। तो इट मीन्स कि जैसे सोलेनोइड का आपको अगर एग्जाम्पल अगर याद हो तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, ठीक है। अब उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं या उसके आसपास जो अगर मेटल अगर हम चेंज करते हैं तो उसका जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। बस यही प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर में। मीन्स सेंसर के पास अगर कोई मेटलिक बॉडी आएगी तो उसका इंडक्शन चेंज होगा और उसकी इंडक्टिविटी को हम मेज़र कर लेते हैं, उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके जो है हम पीएलसी या कंट्रोलर तक पहुंचा सकते हैं। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मेटलिक बॉडी ओनली। द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द कॉइल एंड द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर दैट क्रिएट्स अ फील्ड इन क्लोज सराउंडिंग ऑफ सेंसिंग सरफेस। जो सेंसर की सेंसिंग सरफेस है उसके अराउंड अगर कोई मेटलिक बॉडी आती है देन इट विल क्रिएट ए सिग्नल। ओके, तो ऑपरेटिंग डिस्टेंस ऑफ द सेंसर डिपेंड्स ऑन द कॉइल साइज एज वेल एज द टारगेट शेप साइज एंड मटेरियल। मटेरियल जो मेटलिक मटेरियल है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, उसके ऊपर जो जो सेंसर की जो सेंसिंग लिमिट है वो डिपेंड करती है। यहाँ इसका देखिएगा इस फिगर में इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से है, ठीक है। ये आपकी एक कॉइल है, ओके, ये आपका एक ट्रिगर है, ये आउटपुट स्विच है। अब अगर जैसे ये टारगेट आता है, ठीक है, तो टारगेट जब इसके पास में आएगा तो ये जो सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से चेंज होगी। तो टारगेट नहीं होगा तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में चल रही है, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। मींस जैसे ही बॉडी पास में आएगी इसकी इंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी और इंडक्टिविटी चेंज होने से क्या होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और उसको हम मेजर कर लेते हैं, उसको आउटपुट निकाल के पीएलसी में इनपुट के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके सेंसर का जो आउटपुट है वो पीएलसी में एज ए इनपुट काम करता है। ये इसका स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है कि एंड पे इस पर कॉइल लगी हुई है, फिर बीच पीछे एक मैग्नेट है, ठीक है, और कुछ हाउसिंग वगैरह है। ये इसका स्कीमेटिक है, एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से होता है। ओके, मीन्स इसके अंदर वाउंड कॉइल्स हैं, केसिंग है, एनवायरनमेंट से इसको सेफ्टी के लिए हार्ड बॉडी है, ठीक है, पीछे वायरिंग कनेक्शंस हैं। तो एवरीथिंग इज़ वेरी रोबस्ट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए इसको तैयार किया जाता है मैग्नेटिक के लिए, सॉरी इंडक्टिव सेंसर्स को मेटलिक बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो दिस इज द प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये आपका मेटलिक बॉडी को डिटेक्ट करेगा। मींस अगर आपको कहीं पे मेटलिक और नॉन मेटलिक में डिफरेंस देखना है तो आप इंडक्टिव सेंसर्स का यूज़ करके वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनीथिंग। तो एप्लीकेशन एज आई टोल्ड यू मेटलिक डिटेक्टर्स है, कार वॉशिस जो ऑटोमेटिक कार वॉशिस वॉशिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट देन इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर
वेयर डर्ट इज प्रीवेलेंट, मीन्स फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे डर्ट है. द सेंसिंग रेंज इज रेयरली ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर, हाउएवर इट इज नॉट द डायरेक्शनली, मीन्स 6 सेंटीमीटर तक जो है हम इसकी रेंज को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, मीन्स 6 सेंटीमीटर के एरिया के अंदर ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके सिग्नल देगा. ओके तो मेरे पास जो है इंडक्टिव सेंसर है, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. ये देखिएगा, ये फेस्टो लैब के अंदर है इंडक्टिव सेंसर. ओके ये कुछ इस तरह से होता है. ये है सेंसर इसका, जो मैंने पिक में आपको दिखाया है, और एक्चुअल में ये है. ठीक है, इसके पास जब हम बॉडी के पास में कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, इस तरह की कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको दूर से ही डिटेक्ट कर लेगा, इसको टच कराने की जरूरत नहीं है. दिस इज द इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर. तो कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर का वर्किंग देखते हैं. ये कैपेसिटी पे डिपेंड कर, कैपेसिटेंस होती है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ये उस पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो कैपेसिटिव सेंसर्स आर यूज्ड फॉर नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन ऑफ मेटलिक एंड नॉन मेटलिक ऑब्जेक्ट्स. तो ये दोनों तरह की ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है, मीन्स लिक्विड, प्लास्टिक, वुडन मटेरियल, और आपका क्लॉथ्स, वैक्सीन, लेदर, एवरीथिंग इट कैन डिटेक्ट. तो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन द सेंसर एंड द ऑब्जेक्ट बीइंग डिटेक्टेड. ओके तो कैपेसिटेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसके जब कैपेसिटेंस जो प्लेट होती है कैपेसिटर की, उसके बीच में एक मटेरियल फिल किया जाता है. ठीक है, तो उस मटेरियल की जो इंडेक्स होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी क्या होगी. ठीक है, लेकिन उसके आसपास भी जो मटेरियल है उस पर भी उसकी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है. ठीक है, ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है. एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट, ऑक्सीलेटर, ट्रिगर, आउटपुट, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका भी. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही टारगेट इसके पास में आएगा उसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी. कैपेसिटेंस चेंज होने से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ऑक्सीलेटर के चेंज होंगे, देन इट विल गिव द आउटपुट. तो ये जो है आपका कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है, ये मेटल, नॉन मेटल, एवरी टाइप ऑफ मटेरियल को डिटेक्ट कर सकता है, एवरी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा ये यूज होता है आपके मोबाइल फ़ोन में, टच स्क्रीन वगैरह में. ठीक है, तो कैपेसिटिव टच सेंसर आर यूज इन मैनी डिवाइसेस, जैसे लैपटॉप ट्रैक पैड. लैपटॉप का ट्रैक पैड जो होता है, जिस पर हम फिंगर्स के थ्रू कर्सर को मूव कराते हैं, तो दैट इज द टाइप ऑफ द कैपेसिटिव सेंसर. डिजिटल ऑडियो प्लेयर, कंप्यूटर डिस्प्ले, ठीक है, मोबाइल फोन्स, मोबाइल डिवाइसेस. ठीक है, तो ये आपके कैपेसिटिव सेंसर्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं. मोर एंड मोर डिजाइन इंजीनियर्स आर सेलेक्टिंग कैपेसिटिव सेंसर फॉर देयर वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस एंड कॉस्ट रिडक्शन ओवर द मैकेनिकल स्विचेस. जो मैकेनिकल स्विच होते हैं, लिमिट स्विचेस, ठीक है, उसके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ही कम होती है. तो दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्री टू रिड्यूस द कॉस्ट आल्सो. तो कैपेसिटिव सेंसर्स का भी मैं आपको पिक दिखाना चाहूँगा. दिस इज द कैपेसिटिव सेंसर.
ओके यू कैन सी दैट इसकी आउटर शेप से आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपका इंडक्टिव सेंसर है या कैपेसिटिव सेंसर है, ठीक है, बट इसके स्पेसिफिकेशन आपको देखने पड़ेंगे और इसकी वर्किंग से आपको पता चलेगा कि ये कैपेसिटिव सेंसर है या इंडक्टिव सेंसर है। मींस अगर मेटलिक बॉडी इसके पास में लेके आ रहे हैं और ये सिग्नल जनरेट कर रहा है तो क्या होगा कि ये आपका अगर मेटलिक लेके बॉडी लेके आ रहे हैं तो ये आपका इंडक्टिव सेंसर है, और नॉन मेटलिक पे अगर सिग्नल नहीं दे रहा तो ये आपका इंडक्टिव सेंसर है, और अगर दोनों ऑब्जेक्ट पास में लाने पर ये सिग्नल दे रहा है तो ये आपका कैपेसिटिव सेंसर है। ओके अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की, ठीक है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल मैग्नेटिक का सॉरी इंडक्टिव सेंसर्स का और कैपेसिटिव सेंसर्स का डिफरेंट है। इसी तरह से अल्ट्रासोनिक सेंसर भी होते हैं जो साउंड की जो इसका जो साउंड जो है उसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स आर समटाइम्स यूज इन प्लेस ऑफ ऑप्टिकल सेंसर्स इंस्टीड ऑफ यूजिंग एन लाइट बीम ए हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव इज यूज। जो आपका ऑप्टिकल सेंसर होते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड ऑप्टिकल सेंसर की है, उसके प्लेस पे हम अल्ट्रासोनिक सेंसर हम यूज करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल सेंसर्स की एक लिमिटेशन ये है कि अगर वहाँ पे कुछ ऐसा एनवायरनमेंट आ जाता है जिसमें लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती तो वो फेल हो जाता है, तो उसके प्लेस पे अल्ट्रासोनिक सेंसर हम यूज कर सकते हैं। तो दिस साउंड वेव इज अबव नॉर्मल हियरिंग फ्रिक्वेंसी, तो दैट्स वाई इज कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक। तो जनरली फ्रीक्वेंसी उसकी होती है 40 किलो हर्ट्स, तो जो आपके अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं इनमें लगभग इसी के अराउंड की फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रिंसिपल क्या है कि जो सेंसर है वो एक पल्स जनरेट करेगा, और पल्स जो है वो जो ऑब्स्टेकल है या ऑब्जेक्ट से टकरा के वो वापस आएगी। अब क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगी वेटिंग टाइम इनटू स्पीड ऑफ साउंड बाय 2, इस फार्मूले से हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं, ठीक है। जो अब से पहले हमने प्रॉक्सिमिटी और कैपेसिटिव सेंसर्स जो हमने डिस्कस किए हैं उससे हम डिस्टेंस नहीं मीजर कर सकते, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस या एब्सेंस ही मीजर कर सकते हैं। लेकिन अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के थ्रू हम ऑब्जेक्ट कितनी दूर है उसके बीच की डिस्टेंस क्या है ये भी पता कर सकते हैं, और इसकी स्पीड भी पता कर सकते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रही है। वो टाइमिंग अगर हमें पता चल जाती है तो उस किस स्पीड से वो पास में आ रही है दूर जा रही है तो वो हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वे तो इसका प्रिंसिपल यही है कि एक सेंसर है और वो इस तरह से वेव्स रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसमिट वेव करता है, और ऑब्जेक्ट तो वेव जो को रिफ्लेक्ट करती है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को जो है मीजर कर लेते हैं। तो आपका जो है वेटिंग टाइम कितना टाइम है और स्पीड ऑफ लाइट सभी को मालूम होती है तो हम उसकी डिस्टेंस पता चल जाते हैं। दिस इज द वर्किंग ऑफ द अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑप्टिकल सेंसर। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द ट्रेवलिंग लाइट मूव। द लाइट एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर focuses on the object which reflects to be received by the receiver photodiode, ठीक है। Means इसमें इसका जो working principle है वो इस तरह से होगा कि जैसे आपका ultrasonic sensor है, तो ultrasonic sensor में क्या होता है कि एक तो transmitter होता है और दूसरा एक receiver होता है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैमरा में। ये देखिएगा, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसमें एक तो ट्रांसमीटर है दूसरा रिसीवर है। तो एक तो साउंड वेव्स जो होंगी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और जब उसके सामने ऑब्जेक्ट अगर कोई आ जाएगी तो जो वेव जो है रिफ्लेक्ट होके इस तक आएंगी तो वो उसको रिसीव करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस इज टी मीन्स ट्रांसमीटर एंड दिस इज आर मीन्स रिसीवर। ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, ठीक है। अब ऑप्टिकल के केस में क्या होगा,
ऑप्टिकल सेंसर के केस में क्या होगा कि इसमें भी एक ट्रांसमीटर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। तो रिसीवर बेसिकली क्या होता है, फोटो डायोड होता है। फोटो डायोड क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी स्लाइड के अंदर, ठीक है। द लाइट फ्रॉम द एमिटिंग डायोड इज फोकस्ड बाय द ट्रांसमीटर लेंस ऑन द ऑब्जेक्ट सरफेस। द रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेवल बैक एंड रिसीव्ड बाय द सॉलिड स्टेट फोटो डायोड थ्रू द रिसीवर लेंस। द ऑब्जेक्ट विद इन द रेंज ऑफ द सेंसर कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस। द फोकल लेंथ ऑफ द सेंसर लेंस डायोड द रेंज विद इन विच द प्रोक्सीमिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड। ओके, तो ये इस तरह से इसका स्कीमेटिक है। ये आपका लाइट एमिटिंग डायोड है LED, ओके। ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये आपका लेंस है, ट्रांसमीटर लेंस। तो ये इसकी ऑप्टिकल जो वेव्स होंगी उसको ट्रांसमिट करेगा और वो ऑब्जेक्ट से टकरा के ये रिसीवर लेंस पे पड़ेंगे और इसके पीछे आपका फोटो डायोड होता है, वो फोटो डायोड जो है उसको कैप्चर करेगा। तो अगर यहाँ से सिग्नल मिल रहा है ट्रांसमिट हो गया तो इट मीन्स इट इज़ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंस। और अगर ये सिर्फ ट्रांसमिट कर रहा है और यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो ये यहाँ पे बॉडी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपका फोटोवोल्टिक सेल भी होता है। फोटोवोल्टिक सेल द जनरेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द लाइट स्ट्राइक ए जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स इज कॉल्ड फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ठीक है। तो जो आपके सोलर प्लेट्स जो होते हैं, सोलर प्लेट्स पे जब सनलाइट स्ट्राइक करती है तो क्या होता है कि दो डिसिमिलर मेटल्स के बीच में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ से उसी प्रॉपर्टी का यूज करके सोलर प्लेट्स बनाए जाते हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वो इतने हाई सिग्नल होते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है हम यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं जैसे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के केस में भी क्या होता है कि जब उस पर फोर्स अप्लाई होती है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, बट वो इतना हाई नहीं होता कि हम उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। तो फोटोवोल्टिक सेल्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट। द फोटोवोल्टिक सेल इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड नीड नॉट ऑपरेशन इन वैक्यूम और गैस फील्ड ट्यूब। इसके जो एग्जाम्पल हैं फोटो डायोड एंड फोटो रजिस्टर, ठीक है। अब देखिएगा, ये दो तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जो अगर एनवायरनमेंट की जो एम्बियंट कंडीशंस है वो अगर चेंज हो रही हैं तो खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हुआ, ये फोटोवोल्टिक सेल हुआ। पैसिव ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा किसी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी प्रेजेंस को, उसकी जो वर्किंग को करने के लिए, ठीक है। तो अलग से हमें सोर्स प्रोवाइड करना होता है, जैसे इंडक्टिव के केस में हमें इलेक्ट्रिसिटी पहले कॉइल को देनी होगी, तब उसके पास कोई ऑब्जेक्ट आएगी, तब उसका इंडक्टेंस चेंज होगा, तब वो जाकर सिग्नल देगी। अगर उसमें लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं दे रहे हैं, तो वो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। ये आपकी दो मेटल हैं, ठीक है, एन टाइप पी टाइप, उसके बीच में सिलिकॉन है। जब लाइट एनर्जी इस पर स्ट्राइक करती है तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रेवल करना शुरू करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। देन वी कैन यूज दिस लाइट एज ए सिग्नल और एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑल्सो, ठीक है। बड़े लार्ज स्केल पर अगर हम इसको बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं DC करंट, और इसे सेंसर्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर लाइट एनर्जी को डिटेक्ट करना हो सिर्फ, या आपको लाइट को डिटेक्ट करना हो। नाउ वी टॉक अबाउट द फोटो डायोड। दिस इज द रिवर्स बायस इज अप्लाइड अगेंस्ट द PN जंक्शन दैट रिजल्ट्स इन अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। द लाइट रेज इज मेड टू फॉल ऑन द N लेयर, द रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, डेवलपिंग द रिवर्स करंट ड्यू टू द स्वीप अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल पेयर। द रिवर्स करंट इज द मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। द रेस्पॉन्स ऑफ द फोटो डायोड इज क्विक एंड दे कैन बी यूज एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है। फोटो डायोड क्या करता है, ये फोटो डायोड है, ठीक है। आपको डायोड का फंक्शन पता होगा कि डायोड जो है DC करंट को एक डायरेक्शन में चलने देता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं चलने देता है, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन में क्या होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है, ओके। तो अगर हमें इसकी रिवर्स डायरेक्शन में करंट को चलानी है तो उसका रेजिस्टेंस हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है।
उसके लिए हम क्या करते हैं, फोटो डायोड का यूज़ करते हैं। तो वो ऐसे मेटल का बना होता है कि अगर उस पर लाइट स्ट्राइक करे तो रिवर्स डायरेक्शन में जो उसका रेजिस्टेंस है उसके रेजिस्टेंस को वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो लाइट जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि वो लाइट वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। और ये बहुत क्विक रेस्पॉन्सिव है, बहुत हाईली, क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल क्रिएट तो है ही है, बस सिर्फ जैसी लाइट स्ट्राइक होती है करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही क्विक रेस्पॉन्सिव होता है ये फोटो डायोड, ओके। इसी तरह से फोटो ट्रांजिस्टर भी होते हैं, ठीक है। फोटो ट्रांजिस्टर, तो जैसी फोटो डायोड होता है ऐसी फोटो ट्रांजिस्टर भी होते हैं। तो ए बेस कलेक्टर इज अरेंज इन द पैरेलल टू द फोटो डायोड, ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज फॉर्म। तो इन द पीएन जंक्शन द कलेक्टर बेस इज फोटो सेंसिटिव। तो जो कलेक्टर एमिटर, इसकी तीन टर्मिनल होते हैं आपके, कलेक्टर एमिटर और एक बेस, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो पीएन जंक्शन होता है उस पर बेस जो होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये है बेस, तो बेस जैसे ही लाइट स्ट्राइक होगी तो ये जो आपका ट्रांजिस्टर है इट विल एक्टिवेट, ठीक है। द इंसिडेंस रेडिएशन ऑन द बेस रिजल्ट्स इन द रिवर्स करंट ऑफ द फोटो डायोड विच इज द बेस करंट ऑफ द ट्रांजिस्टर। द बेस करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी होगी बेस करंट भी आपकी इंक्रीज होगी। इफ द बेस करंट इज एम्पलीफाइड बाई इंटरनल सिग्नल प्रोसेसिंग देन द हायर सेंसिटिविटी ऑफ द फोटो ट्रांजिस्टर कैन बी अचीव, ठीक है। तो ये आपका फोटो डायोड के साथ में फोटो ट्रांजिस्टर का फंक्शन तो इस तरह से होता है, ओके। अब देखिएगा डिजायरेबल फीचर्स फॉर सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर। जब आप किसी कंपनी में एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर वहाँ पर जाएंगे और आपको सेंसर्स जो है वहाँ पे प्लेस करने होंगे तो क्या क्या क्वालिटी सेंसर्स के अंदर देखनी है, ठीक है। सबसे पहले प्रिसीजन, तो प्रिसीजन एक ऐसी क्वालिटी है इट शुड बी हाई एज मच एज पॉसिबल। तो प्रिसीजन क्या होता है कि डेविएशन इन मेजरमेंट रीडिंग शुड बी मिनिमम, ठीक है। वो जो एक्चुअल वैल्यू है उसे ही दे, मीन्स जितने ऑब्जेक्ट क्लोज है, सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट की आपको जो है डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है और आप अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज कर रहे हैं, तो अगर वो 100 mm डिस्प्लेस हुआ है तो वो 100 mm ही रिजल्ट दे, वो ना तो 99.5 दे या ना 100.5 दे, वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दे। तो द प्रिसीजन शुड बी हाई, देन एक्यूरेसी इट ऑल्सो शुड बी हाई, स्पीड और रेस्पॉन्स, ठीक है। तो जितना क्विक रेस्पॉन्स होगा, टाइम टेकन बाई द रेस्पॉन्स शुड बी मिनिमम, जितना जल्दी रेस्पॉन्स देगा उतना अच्छा आपका सेंसर है, ठीक है। ऑपरेटिंग रेंज, अब यहाँ पे क्या कि ऑपरेटिंग रेंज आपको देखना पड़ेगा कि उसकी रेंज क्या है, कितना, सपोज करें कि डिस्प्लेसमेंट सेंसर ही आप अगर यूज कर रहे हैं, तो अगर आप यूज कर रहे हैं कि एक एप्लीकेशन है कि आपको देखना है कि सिर्फ 100 mm तक डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग रेंज क्या है। तो वाइड ऑपरेटिंग रेंज विल बी गुड फॉर द एक्यूरेसी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा रेंज होती है उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होती है, तो आप इसकी रेंज का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है इसकी, कि इसकी फेलियर फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। एक सेंसर है फील्ड में लगाते हैं, वो उसकी रिलायबिलिटी नहीं है कि वो कब जो है सही वैल्यू देगा, कब खराब वैल्यू देगा, कितनी जल्दी वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा सेंसर है वो थोड़ा महंगा है लेकिन वो रिलायबल है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है कि 1000 पीस अगर कहीं लगाए हैं तो एक या दो ख़राब हुआ है, तो वो रिलायबल है। और कहीं पे आपने जो है 100 पीस लगाए हैं वहाँ पे 3-4 ख़राब हो गए हैं तो वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो ये रिलायबिलिटी भी जो है आपको देखनी होगी किसी सेंसर की कि कितना रिलायबल है। कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन देखना होगा कि द ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम एंड शुड बी ईजी टू कैलिब्रेट। ड्रिफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक लॉन्ग रन में अगर एक ही पर्टिकुलर रीडिंग पे हमने सेंसर्स को लगाना है और वो टाइम के चेंजेस के साथ साथ उसकी रीडिंग चेंज हो जा रही है, ठीक है। मेजरमेंट तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन रीडिंग चेंज हो जा रही है, तो ड्रिफ्ट का केस ये होता है कि ड्रिफ्ट हो जाती है। तो ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए सेंसर में, ठीक है, जीरो ड्रिफ्ट होना चाहिए, बट आइडियल कंडीशन तो कभी होती नहीं है, तो
द ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम। ओके, तो इट शुड बी इजी टू कैलिब्रेट, मीन्स अगर ड्रिफ्ट हो जाती है और फिर से उसको कैलिब्रेट करना है तो कैलिब्रेशन की वहाँ पे पॉसिबिलिटी और फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कॉस्ट एंड ईज, द परचेज कॉस्ट शुड बी लो, द इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन शुड बी ईजी। ये दोनों चीज़ें देखनी होंगी आपको कि कॉस्ट जो है, लेकिन कॉस्ट रिलायबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। अगर आपने सस्ता कॉस्ट को कम करने के लिए सस्ता सेंसर लगा दिया लेकिन वो फेल हो रहा है, कई बार फेल हो गया, तो वो आपका काम भी रोक देगा, वहाँ से नुकसान होगा और वो बार बार चेंज करना पड़ेगा तो वो उसकी कॉस्ट भी आपकी जाएगी। तो कॉस्ट लो होने का मतलब ओवरऑल आपको देखना है कि ऑपरेटिंग और कॉस्ट कितनी है उसकी, ठीक, ना कि वन टाइम कॉस्ट, ठीक है। और इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन जो है उसका ईजी होना चाहिए, मीन्स ऐसा कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए कि अगर आपको चेंज करना है तो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आए। तो दीज आर द डिज़ायरेबल फीचर्स फॉर द सेंसर्स, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। तो देखिएगा, ये आपके कुछ सेंसर हैं, लिमिट स्विच, ठीक है, और बाकी सेंसर्स, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज और इनकी एप्लीकेशंस को हम कंपेयर करते हैं। तो लिमिट स्विच क्या होता है, उसकी करंट कैपेसिटी हाई होती है, जितना चाहे आप करंट उसके थ्रू पास करा सकते हैं, थोड़ा लो कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। लो टेक सेंसिंग, ठीक है, लो टेक सेंसिंग मीन्स कि आपको क्या करना है कि एक स्विच में आपको एक रोलर ही लगाना है जो जैसे ही ऑब्जेक्ट उसको प्रेस करेगी वहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा, दिस इज़ वेरी लो टेक, कि एक स्विच कनेक्शन कराना है बस आपको दो वायर्स का या दो करंट कैरिंग लाइन्स का, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही लो टेक सेंसिंग है, बट ये इसकी एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, इट इज़ वेरी स्लो रेस्पॉन्सिव, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि लिमिट स्विच किस तरह से काम करता है, एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको, दिस इज द टाइप ऑफ लिमिट स्विच, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इस पे आके टकराती है तब ये एक्टिवेट होता है, समझ रहे ना। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट है, जैसे आपका नॉर्मल स्विच होते हैं घर में फैन या लाइट ऑन करने के लिए, तो वो तो एक बार दबाने पे वहीं रह जाते हैं और फिर दूसरी पोजीशन पे दबाने पे वो डीएक्टिवेट होते हैं। इसमें एक स्प्रिंग एक्शन होता है कि जब इसको पुश करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा और जब इसको यहाँ से ऑब्जेक्ट हट जाएगी तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सेंसिंग इसकी वेरी लो होती है कि जब इसके पास में ऑब्जेक्ट आके टच होगी और जब ये इसको प्रेस करेगा फोर्सफुली और जब ये कनेक्शन होगा इसके अंदर जो कनेक्टर हैं वो कनेक्ट होंगे तभी ये सेंसिंग देगा, अदरवाइज ये सेंसिंग नहीं देगा, ओके। तो ये इसका फंक्शन है लिमिट स्विच का। ओके, तो रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट, वेरी लो रेस्पॉन्सिव, ठीक है। कॉन्टैक्ट बाउंस भी हो जाता है कभी कभी, तो ये भी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। एप्लीकेशंस क्या है, इंटरलॉकिंग, बेसिक एंड ऑफ सेंसिंग, ट्रेवल सेंसिंग, ये हम वहीं पे यूज़ कर सकते हैं इसकी, जैसे लैथ मशीन की एंडिंग पोजीशन है बेड पे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है एंड टू एंड, ठीक है, तो वहाँ पे हाई सेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती और एंड डिटेक्शन हमें करना होता है बस, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। नेक्स्ट सेंसर आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है, इट्स सेंस ऑल काइंड ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसकी लाइफ लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट सेंसिंग रेंज होती है इसकी, बहुत फास्ट रेस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जो लेंस होता है अगर उस पर धूल जम गई तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। और दूसरी डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जो सेंसिंग रेंज है वो कलर पे डिपेंड करती है, जो ऑब्जेक्ट का कलर है, ठीक है। तो अगर वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो हो सकता है वो आपको सिग्नल ही ना दे, ठीक है, क्योंकि लाइट एमिट होकर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट ही हो जाएगी और रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसको हम जनरली यूज़ करते हैं जहाँ पे इस तरह का डिसएडवांटेजेस ना हो, तो पैकेजिंग में, मटेरियल हैंडलिंग में और पार्ट डिटेक्शन में इसका हम यूज़ करते हैं जनरली। अब बात करते हैं इंडक्टिव सेंसर की, तो इट इज़ रेजिस्टेंट टू हार्श एनवायरनमेंट, वेरी प्रिडिक्टेबल, लॉन्ग लाइफ और ईजी टू इंस्टॉल, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि डिस्टेंस लिमिटेशन है, बहुत शॉर्ट रेंज पे काम करता है, ठीक है। एप्लीकेशन वही इंडस्ट्रियल एंड मशीन्स, मशीन टूल, सेंसिंग, मेटल्स,
टारगेट ओनली, ठीक है, जहाँ पे मेटल्स की ज़रूरत है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, जहाँ मेटल डिटेक्शन हमें करना होता है। नेक्स्ट आपका कैपेसिटिव सेंसर। कैपेसिटिव डिटेक्ट्स थ्रू सम कंटेनर्स कैन डिटेक्ट नॉन मेटल टारगेट ऑल्सो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि वेरी सेंसिटिव टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो एनवायरमेंट की चेंज होने पर भी चेंज हो सकती है, तो ये आपकी सिग्नल में एरर आ सकता है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो वेरी सेंसिटिव टू एनवायरमेंट। एप्लीकेशंस क्या है, लेवल सेंसिंग, तो जहाँ लेवल हमें चेक करना होगा तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अल्ट्रासोनिक, इट सेंस ऑल मटेरियल, ठीक है, ओके। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम आती है, रिपीटेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, एंड सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर चेंज, जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उसमें इसमें एरर आनी शुरू हो जाती है, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर की डिसएडवांटेज है। कहाँ यूज़ करते हैं, एंटी कोलिजन डोर्स में, ठीक है, लेवल कंट्रोल, पानी का लेवल कंट्रोल है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस एंड कंपेरिजन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कंटेंट। देखो ये आपका जो है आपका इंडक्टिव सेंसर है, ठीक है। अब देखिएगा मैं इसमें ये मेटल टच करके दिखाता हूँ, आपको सेंसिंग दिखाई देगा। देखो लाइट जल रही है ना, ठीक है, तो इसको मैंने टच नहीं किया है, ये दूर ही है इससे और इसकी सेंसिंग आपको मिलेगी, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर जाती है तो ये आपका सिग्नल देना बंद कर देता है। ये लाइट जो है ये बता रही है कि इट इज़ गिविंग सिग्नल, ठीक है। वीडियो सही दिख रही है सब लोगों को? यस सर, ठीक है, यस सर, हाँ। लेकिन अगर जैसे ही मैं कोई नॉन मेटल या जैसे मैं ये लेके आता हूँ अपना हाथ, तो ये कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, ठीक है, ओके, किसी भी टाइप का सिग्नल नहीं दे रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैपेसिटिव सेंसर, देखिए कैपेसिटिव सेंसर जो है ये एक इसको भी डिटेक्ट कर ले रहा है, उंगली को भी डिटेक्ट कर ले रहा है। लाइट दिख रही है आपको? यस सर दिख रही है, ठीक है ना। और ये मेटल को भी डिटेक्ट कर ले रहा है, ठीक है, मेटल आने के बाद भी ये आपको लाइट दिखाई देगी। ओके, तो ये डिफरेंस है इसमें कि आपका जो इंडक्टिव सेंसर है ये केवल मेटल को ही डिटेक्ट कर सकता है, और कैपेसिटिव सेंसर जो है मेटल नॉन मेटल दोनों को डिटेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल सेंसर की, ठीक है। क्वेश्चन मिल गया आप सभी लोगों को, क्वेश्चन भी करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। अब देखिएगा ये सेंसर, एक रेड कलर की लाइट यहाँ पर जल गई है, तो अब जब इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगी, अब ये मेटल है या नॉन मेटल, अब देखो डिस्टेंस देखना है इसकी, इतने डिस्टेंस से ही ये जो है देखो, ठीक है, देखो अभी हाथ पास भी नहीं आया, दूर से ही क्या है ये, इसकी रेंज कितनी ज़्यादा है, ठीक है, देखो थोड़ा सा दूर होकर दिखा देता हूँ। अभी भी लाइट दिख रही होगी आपको सेंसर की, आई थिंक, है ना, ये देखिए जल रही बंद हो गई, ठीक है। तो ये लाइट क्या शो कर रही है, दिस इज द सेंसिंग, ठीक है। इसमें ये जो है ये आपका ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, ठीक है, मैं इसको ऑफ करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसमें दो आपको ये होल से दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, एक ये वाला है इसके साइड में इधर और दूसरा इधर है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक इसमें ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंसर था। अब ये आपका एक मैग्नेटिक लिमिट स्विच होता है, मैं दिखाता हूँ कैसे काम करेगा ये,
ये देखिए भाई, ये आपको लाइट यहाँ पे दिख रही होगी, ये लाइट बंद होगी, ठीक है? अब देखो ध्यान से, लाइट जली बंद होगी। तो अब क्या है कि इस पिस्टन के अंदर जो है, जो इसके अंदर पिस्टन है यहाँ पे अंदर, उस पर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है राउंड। तो ये क्या करता है कि जैसे ही ये इंसर्ट होगा, ठीक है, तो वो कॉन्टैक्ट जो होंगे, इस तरह से होता है, जैसे ये कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये आपका ओपन कॉन्टैक्ट है। अब जैसे ही इसके नीचे मैग्नेट आएगी, यहाँ पे मैग्नेट आएगी इसके नीचे, तो ये मेटल की स्ट्रिप जो अट्रैक्ट होकर इससे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे यही फंक्शन हो रहा है, आप देखो। ठीक है, तो ये आपके वर्किंग प्रिंसिपल हैं सेंसर के, कि जो प्रॉक्सिमिटी मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ है, किस टाइम कहाँ है, क्या डिटेक्ट करना है, तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के थ्रू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही यूज होते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक मशीनें बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज होते हैं। हाँ, स्पेशल काम अगर आपको कुछ करना है कि टेम्परेचर के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, देन यू विल यूज द टेम्परेचर सेंसर, ओके। प्रेशर के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, कलर के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, तो वो एक पर्टिकुलर टास्क हो गया। बट आपको पोजीशन डिटेक्ट करनी है, एंड पोजीशन डिटेक्ट करनी है, ठीक है, लोकेशन डिटेक्ट करनी है, तो वहाँ पे सब जगह आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही यूज़ करने होते हैं।